दूसरों को चोर कहने वाले अपनी बुक्कल में चोर लेकर बैठे हैं। नवाज और शहबाज की मिलें बंद हैं तो कौन चीनी महंगी बेच रहा है, कौन हुकूमत की छतरी के नीचे लूटमार मचा रहा है। 45 फीसद शुगर मिल्स पीटीआई अरकान की हैं। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में घनगरज, कहा हुकूमती सफों में मौजूद डाकू और चोर हुकूमत को ले डूबेंगे। आज अगर हमारी बारी है तो कल आपकी आएगी। मौलाना फजलुर रहमान ओपोजिशन की तीन बड़ी जमातों से नाला, नून लीग, पीपल्स पार्टी और एएनपी को रहबर कमेटी से निकाल दिया। कल अहम बैठक होगी। हुकूमत मुखालिफ नई तहरीक और ओपोजिशन जमातों को टफ टाइम देने का फैसला होगा। इमरान खान इत्तेहादियों पर एतमाद करें, फसादियों से दूर रहें, चौधरी शुजात हुसैन का मशवरा, कहते हैं अपनी अपनी नहीं बल्कि पाकिस्तान की बोली बोलें। इमरान खान के साथ इत्तेहाद बगैर किसी लालच के किया। मोदी गलत फहमी में ना रहे, पाकिस्तान पर हमला किया तो ये उसकी आखिरी गलती होगी, हमने उनका बड़ी मूछों वाला पायलट वापस किया। वजीर आजम का मीरपुर आजाद कश्मीर में रैली से खिताब, कहा 6 माह में मसला कश्मीर आलमी मामला बन चुका है, कश्मीर जल्द आजाद होने वाला है, कश्मीरियों पर अच्छा वक्त आने वाला है। वफाकी हुकूमत का जुलाई तक मजीद 1,900 अरब का कर्ज लेने का प्रोग्राम, बैरूनी तौर पर 1,100 अरब और अंदरूनी तौर पर 800 अरब का कर्जा लिया जाएगा। कौमी असम्बली में पेश की गई दस्तावेजात में इंकशाफ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट सुकड़ गई, हजारों सरमायाकारों ने मार्केट से मुंह मोड़ लिया। 10 साल पहले 2,26,000 सरमायाकार थे, अब सरमायाकारों की तादाद 1,72,710 रह गई। नया आईजी सिंध लगाने में रुकावट कौन, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को विफाकी और सूबाई हुकूमत के अहकामात का इंतजार। आईजी के तकरर और तबादले में कानूनी पेचीदगी नहीं, सिंध हुकूमत के 5 मुजवजा अफसरान मेरिट पर हैं। सर्कुलर रेलवे बहाल ना करने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम, हमें कुछ नहीं सुनना, बताएं सर्कुलर रेलवे कब चलेगी, जो कुछ रास्ते में आता है सब तोड़ दें, हमें असल हालत में कराची सर्कुलर रेलवे चाहिए। कमिश्नर साहब आप जाएं, आप ही सारी इमारतें गिराएं। मेयर साहब बताएं आपने अब तक क्या किया, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, मेयर को रेलवे की जमीन पर कायम इमारतें गिराने का हुक्म। मेयर कराची वसीम अख्तर का विफाकी हुकूमत से शिकवा, कहा विफाक ने कराची से जमा होने वाले टैक्स से 1 रुपया भी नहीं दिया, अभी तक इख्तियारात भी नहीं दिए गए। सुप्रीम कोर्ट का कराची में अलादीन पार्क से मुत्तसिल ज़ेरे तामीर इमारत गिराने का हुक्म, सिंध रेवेन्यू बोर्ड की रिपोर्ट मुस्तरद, गैर मुल्की हुसैन नासिर को किस कानून के तहत जमीन अलॉट की गई, क्या किसी और मुल्क में आपको इस तरह जमीन मिल सकती है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हटाने का हुक्म, मुश्ताक सुमरों को अदालत से भी निकाल दिया गया। अदालत का मेयर कराची को तजावुजात के खात्मे का हुक्म, तोता कहानियां ना सुनाएं, कराची को चलाकर दिखाएं। तजावुजात केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, सेक्रेटरी बल्दियात पर बरहमी, कहा आप किसी के लाडले होंगे, यहां किसी के लाडले नहीं। क्या खैबर पख्तूनख्वा को कानून के बजाय अपनी मर्जी से चलाया जा रहा है, हुकूमत अपने ही कानून की धज्जियां उड़ा रही है, जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा में स्पेशल सेक्रेटरी का ओहदा तख्लीक करने का नोटिस ले लिया, गोल्डन प्लैटिनम और सिल्वर सेक्रेटरीज के ओहदे भी बना ले, अदालत के रिमार्क्स भारी भरकम काबीना पर भी सवाल उठा दिए। मरियम नवाज का ये हक है आईनी कानूनी कि वो अपने वालद की तीमारदारी के लिए या उनका अगर हार्ट का ऑपरेशन होना है तो उस मौके पे वहाँ भी मौजूद। राणा सनाउल्ला भी हुकूमत पर बरस पड़े, बोले ये एहतसाब नहीं इंतकाम है, इसमें कोई शक नहीं कि ये घटिया इंतकाम है। मरियम नवाज का बाप की तीमारदारी के लिए बैरून मुल्क जाना आईनी हक है। साबिक रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ते मुल्तान से गिरफ्तार,
जमशेद दस्ती को ऑयल टैंकर चोरी केस में हिरासत में लिया गया। हमजा शहबाज को लाहौर हाईकोर्ट से बड़ा रिलीफ, रमजान शुगर मिल्स केस में जमानत मंजूर, लगता है आपने फाइल को हाथ ही नहीं लगाया, तफ्तीश पर आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, अदालत का तफ्तीशी अफसर से मुकालमा। हमजा शहबाज की फौरी रिहाई मुमकिन नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त जमानत पर फैसला अभी बाकी। चीन में कोरोना वायरस के हमले, मजीद 78 अफराद जान की बाजी हार गए, मरने वालों की तादाद 565 हो गई, मजीद 3500 अफराद में वायरस की तस्दीक, मुतासरीन की तादाद 28,000 से बढ़ गई, एयरबस का चीन में प्लांट बंद। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में दोहरे कत्ल की वारदात, नामालूम अफराद की फायरिंग से दो मोटरसाइकिल सवार जां बहक, मक्तूलीन के अब्दुल रजाक और वकास के नाम से शनाख्त। लाहौर हाई कोर्ट बच्चे की अदम बाजियाबी पर बरहम, वजीर आला पंजाब तलब, अदालती अहकामात पर आईजी अदालत में पेश, पुरानी बातें ना करें, बताएं बच्चा कब बाजियाब होगा, जस्टिस तारिक अब्बासी के रिमार्क्स। 24 न्यूज के खबर पर एक्शन, कराची में बेटी पर तशद्दुद करने वाला संगदिल बाप गिरफ्तार, दिलदार भट्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी, 186 में रोज भी कर्फ्यू, मार्केटें और तालीमी इदारे बंद, सड़कें सुनसान। डेमोक्रेट्स अमरीकी सदर को हटाने में नाकाम, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे के दोनों इल्जाम सेनेट में मुस्तरद, मुआखजे की तहरीक मुस्तरद होने पर ट्रंप खुश, वीडियो पैगाम में खुद को सारी जिंदगी के लिए सदर करार दे दिया। स्पीकर नैन्सी पेलोसी अमरीकी सेनेट के फैसले से मायूस। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों की रावलपिंडी में नेट प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई, पहला टेस्ट मैच कल शुरू होगा, कप्तान अजहर अली जीत के लिए पुरअज़्म। टिकटॉक स्टार संदर खटक की एफआईए इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त, लाहौर की सेशन कोर्ट ने अगले समाप्त पर वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। और हिम्मत और हौसला माजूरी को भी शिकस्त दे देता है, दो बच्चों का एक ही धड़, सर दो और बाजू चार, तीन पहियों वाली मोटरसाइकिल चलाकर सबको हैरान कर दिया। हमजा शहबाज को लाहौर हाईकोर्ट से बड़ा रिलीफ, रमजान शुगर मिल्स केस में जमानत मंजूर, लगता है आपने फाइल को हाथ ही नहीं लगाया, तफ्तीश पर आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, अदालत का तफ्तीशी अफसर से मुकालमा। हमजा शहबाज की फौरी रिहाई मुमकिन नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त जमानत पर फैसला अभी बाकी। चीन में कोरोना वायरस के हमले, मजीद 78 अफराद जान की बाजी हार गए, मरने वालों की तादाद 565 हो गई, मजीद 3500 अफराद में वायरस की तस्दीक, मुतासरीन की तादाद 28,000 से बढ़ गई, एयरबस का चीन में प्लांट बंद। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में दोहरे कत्ल की वारदात, नामालूम अफराद की फायरिंग से दो मोटरसाइकिल सवार जां बहक, मक्तूलीन के अब्दुल रजाक और वकास के नाम से शनाख्त। लाहौर हाईकोर्ट बच्चे की अदम बाजियाबी पर बरहम, वजीर आला पंजाब तलब, अदालती अहकामात पर आईजी अदालत में पेश, पुरानी बातें ना करें, बताएं बच्चा कब बाजियाब होगा, जस्टिस तारिक अब्बासी के रिमार्क्स। 24 न्यूज के खबर पर एक्शन, कराची में बेटी पर तशद्दुद करने वाला संगदिल बाप गिरफ्तार, दिलदार भट्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी, 186 में रोज भी कर्फ्यू, मार्केटें और तालीमी इदारे बंद, सड़कें सुनसान। डेमोक्रेट्स अमरीकी सदर को हटाने में नाकाम, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे के दोनों इल्जाम सेनेट में मुस्तरद, मुआखजे की तहरीक मुस्तरद होने पर ट्रंप खुश, वीडियो पैगाम में खुद को सारी जिंदगी के लिए सदर करार दे दिया। स्पीकर नैन्सी पेलोसी अमरीकी सेनेट के फैसले से मायूस।
पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों की रावलपिंडी में नेट प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई। पहला टेस्ट मैच कल शुरू होगा, कप्तान अजहर अली जीत के लिए पुरअज़्म। टिकटॉक स्टार संदर खटक की एफआईए इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त, लाहौर की सेशन कोर्ट ने अगली समाअत पर वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। और हिम्मत और हौसला माजूरी को भी शिकस्त दे देता है। दो बच्चों का एक ही धड़, सर दो और बाजू चार, तीन पहियों वाली मोटरसाइकिल चलाकर सबको हैरान कर दिया।